हाय गाइस, माय नेम इज कार्तिक। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आपने जैसे कि टाइटल से देख लिया होगा, मैंने अपना एक नया कैमरा खरीदा है, DJI Osmo एक्शन कैमरा। एंड काफ़ी टाइम से मैं चाह रहा था इसको लेना, बट मौका नहीं लग पा रहा था। बट फाइनली इट्स हियर एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। एंड अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी इसी एक्शन कैमरा पे शूट कर रहा हूँ, जस्ट मेरी फर्स्ट वीडियो ही बना रहा हूँ इससे। एंड अभी मैंने कार पे माउंट करा हुआ है अपने विंडशील्ड पे, एंड मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज भी खरीदी है इसके साथ। इसका कैमरे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेरे को काफ़ी इकोनॉमिकल लगा ये बाकी GoPros और बाकी जो एक्शन कैमराज आते हैं उनके अकॉर्डिंग, और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था लेने का। एंड अभी तक तो मैं अपने फ़ोन से ही ब्लॉग कर रहा था, बट फ़ोन में काफ़ी सारी लिमिटेशंस आती थी, जैसे कि मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती थी बिकॉज वीडियोज़ का रेजोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, एंड फ़ोन में फिर बाकी काम आप लिमिटेड हो जाता है करना, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। एंड हर जगह फ़ोन आपको कैरी करना पड़ता था, आपकी कॉल्स आ रही हैं तो आपको होल्ड पे रखनी पड़ती थी अगर आप रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। और आगे इस वीडियो में भी मैं डिफरेंसेस दिखाने वाला हूँ अपने फ़ोन से ब्लॉग करते टाइम और इस एक्शन कैमरा से ब्लॉग करते टाइम, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कैसी क्वालिटी आती है पिक्चर की, कितना वाइड एंगल व्यू हमें मिलता है, तो आप वो भी आगे ज़रूर देख सकते हैं। मैं कंपैरिजन ज़रूर डालूंगा इसका आगे। तो अभी थोड़ा रिकैप में जाते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको बॉक्स को ओपन करके देखते हैं क्या क्या मिला है इसमें। सबसे पहले ये कैमरा आ जाता है, तो ऐसी कुछ इसकी पैकिंग दे रखी है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये फ्रेम में दिया गया ऑलरेडी, इसके साथ एक फ्रेम भी आता है कैमरा का, ऑलरेडी ये फ्रेम में है अभी। और इसको अभी साइड में रख देते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसमें। और बाकी ज़्यादा बड़ी पैकेजिंग तो नहीं है, बस यही कैमरा है। इसके बाद इसमें ये इसमें एक फ्लैट एडेसिव माउंट दिया गया है, और इसमें 3M की पेस्टिंग लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एज सच, और ये फ्लैट सरफेसिस पे काम करेगा। और इसके साथ एक कर्व्ड एडेसिव माउंट भी दिया गया है इसमें, ये रहा कर्व्ड एडेसिव माउंट, इसमें भी 3M की पेस्टिंग दी गई है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये कर्व्ड सर्फेसिस जैसे कि आप अपने हेलमेट पर माउंट कर सकते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा उसमें आप अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। और इसके साथ इसमें एक USB-C टाइप केबल दी गई है, और इसके साथ इसमें एक लॉकिंग स्क्रू दिया गया है जो आप किसी भी एक्सेसरी के साथ अटैच कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेम अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसका। और इसके अलावा देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, इसमें एक बैटरी केस भी दिया गया है, और इसमें एक 1300 mAh की बैटरी मिलती है इसमें हमें, और ये अलग अलग रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बैकअप देता है। और मैं मानता हूँ 1 से 1.5 घंटे का ऑन एन एवरेज आपको इससे बैकअप मिल जाएगा, एंड 1.5 से 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। 1300 mAh की बैटरी है तो ये भी इसमें नीचे लग जाती है। अभी दिखाऊंगा आपको कैमरा ओपन करके। एंड ये छोटा सा केस दिया हुआ है इसका, एज सच और तो कुछ नहीं है। और बाकी इसमें इधर इंफॉर्मेशन बुकलेट्स वगैरह दी गई हैं इसमें जो नॉर्मल सबके साथ मिलती हैं, तो इन चीज़ों को साइड में कर देते हैं एंड वापस आते हैं कैमरा की तरफ और इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेम यहाँ से ऐसे पुल करके ओपन हो जाएगा, तो ऐसी कुछ इसकी हाउसिंग दी गई है। इसको निकाल दिया और इसको भी निकाल लेते हैं। एंड ये ऐसा कुछ इसमें स्लीक सा कैमरा है, काफ़ी अच्छा स्टर्डी डिज़ाइन दिया हुआ है। ये फ्रेम है, इसको भी अभी अलग रख देता हूँ। तो सबसे पहले इसकी बैटरी इंसर्ट करके देखते हैं क्या सिस्टम है। और यह ऐसे कुछ इंसर्ट होती है बैटरी इसकी, एंड इसको दोनों साइड से आप प्रेस करोगे और ये दोनों लॉक हो गया। एंड यहाँ लेंस दिया हुआ है, यहाँ Osmo एक्शन का ये बैजिंग दी गई हुई है, एंड काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है सिमिलर टू GoPro। बस इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें दोनों साइड स्क्रीन दी गई है, दोनों साइड एक टाइम पे वर्क नहीं करेगी, आप स्विच कर सकते हो जिस साइड में आपको देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फी मोड अगर यूज़ कर रहे हो तो आप फ्रंट स्क्रीन एक्टिवेट कर सकते हो। तो इसको स्क्रीन ऑन करके देख लेते हैं, पहले इधर प्रेस करने से ये ऑन हो गया, और अभी 98% बैटरी दिखा रहा है। मैंने इसको चार्ज करा हुआ था एंड ऑलरेडी इसको एक्टिवेट करके रखा हुआ था। इसमें DJI मीमो ऐप आता है, आपके एंड्रॉयड या iOS फ़ोन जो भी आपके पास है तो दोनों पे अवेलेबल है, DJI मीमो ऐप करके है, तो वहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं उसको। एंड तो वापस इस पर आते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है और काफ़ी अच्छा लुक है एंड काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन लग रहा है देखने में। एंड इसको अगर देखें, फ्रंट स्क्रीन भी है इसकी, या तो आप इधर दो बार ऐसे डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन स्विच हो जाएगी, एंड ये स्क्रीन स्विच हो चुकी है। और वापस से इसको इधर लाना है तो इसको दोबारा डबल टैप करके ये सामने की तरफ स्क्रीन आ गई। अब अगर मैं दोबारा भी बोलूँगा इसको स्क्रीन स्विच, तो ये देखिए दोबारा से स्क्रीन स्विच हो गई है एंड वापस से फ्रंट स्क्रीन ऑन हो गई है। वापस से अगर मैं इसको वॉइस कमांड बोलूँगा स्क्रीन स्विच, तो देखिए काफ़ी ईजिली फ्रंट स्क्रीन अब दोबारा रिप्लेस हो गई, ये बैक स्क्रीन में इधर आ चुका है
तो काफ़ी इजीली ये स्क्रीन स्विच हो गई है एंड वापस से इधर डिस्प्ले आ चुका है, तो कि काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। तो देखते हैं बाकी इधर क्या फीचर है। इधर स्टार्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। एंड इधर कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, बाकी इधर अगर इसको प्रेस करें ऐसे वापस इसको फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे USB-C चार्जर की केबल का कनेक्शन का पोर्ट दिया गया है एंड यहाँ पे microSD कार्ड स्लॉट दिया गया है। ये इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे ऐसे कुछ ये प्रेस करके ये सिंपल इसमें जाता है एंड इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म है काफ़ी इजी। तो इसको ऐसे बस प्रेस करेंगे एंड ये इंसर्ट हो गया। वापस से इसको क्लोज़ कर देते हैं एंड SD कार्ड इधर शो कर रहा है आप जैसा कि देख सकते हैं। और इसमें अलग अलग मोड्स दिए गए, 720p पे अलग अलग FPS रेट्स पे ये रिकॉर्डिंग कर सकता है और इसमें 1080p में भी अलग अलग FPS रेट्स दिए गए हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट फीचर्स हैं एंड काफ़ी ये जैसे अब कि मैं रॉक स्टडी मोड बता रहा था, इधर रॉक स्टडी मोड है, इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुछ कुछ मोड्स पे अवेलेबल हो गए। और तो काफ़ी इजी रहता है ये एंड 2.7K इधर दिया हुआ है। बाकी इसमें अलग अलग रेजोल्यूशन दिए गए हैं, 2.7K 4:3 स्क्रीन हो जाती है यहाँ पे एंड 4K में भी दिया हुआ है। 4K में भी ऐसी रेजोल्यूशन अलग दिया गया है, 4K में भी अलग अलग इसमें FPS मोड्स दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को एंड काफ़ी इजीली ऑपरेटिंग स्क्रीन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब वापस अभी बंद कर देते हैं इसको, ये स्विच ऑफ हो गया। और बाकी मैं आपको एक्सेसरीज़ भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक्सेसरी, तो जैसे मैंने आपको 64GB का सैंडिस्क मेमोरी कार्ड ही दिखाया था, तो वो मैंने ख़रीदा था इसके साथ। एंड इसके साथ मैंने ये मिनी ट्राईपॉड ख़रीदा है जो अलग अलग हाइट से एडजस्ट हो जाता है, तो वो भी आपको भी ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा लिखता है। इसमें भी एक लॉकिंग स्क्रू दे रखा है। बाकी मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप चेक कर सकते हो, मैं नीचे सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो जो भी एक्सेसरी मैंने इसके साथ ख़रीदी आप चेक कर सकते हो एंड ख़रीदने के चाहो तो आप ख़रीद सकते हो। एंड ये ऐसा कुछ ट्राईपॉड बन जाता है एंड अलग अलग हाइट पे इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे तीन हाइट्स पे आप तीन लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड काफ़ी स्टडी ट्राईपॉड लगा मेरे को ये, काफ़ी इजीली, ज़्यादा वॉबल नहीं करता, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। एंड इसके साथ मैंने एक microSD कार्ड रीडर ख़रीदा हुआ है एंड उसके अलावा एक एक्सेसरी किट ख़रीदी है मैंने, अमेजोन से ही मंगाई थी। एंड एक्सेसरी किट में लगभग 60-61 एक्सेसरी आई हैं, इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, ये बॉक्स भी आता है उसी के साथ एंड काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ हैं इसमें। आप अलग अलग जगह पर वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, हेलमेट राइडिंग वगैरह पे, या अपने बेल्ट पे लगाना है, शोल्डर माउंट करना है, विंडशील्ड पे माउंट करना है कार के, या ये वाटर फ्लोटिंग हैंडल है इसका, और बहुत सी चीज़ें ऐसे दी हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अलग अलग माउंट्स दिए गए हैं, अलग अलग रॉकिंग्स भी हुए एंड काफ़ी नंबर्स भी दिए गए हैं एंड काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को एंड काफ़ी प्राइस पॉइंट से काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को, तो आप नीचे ज़रूर लिंक में देख सकते हो। तो ये छोटी सी ऐसी अनबॉक्सिंग थी, आपको बस दिखाना चाहता था एंड इसके जस्ट बाद अभी आपको इसकी वीडियो क्वालिटी भी दिखाऊंगा, कंपेयर करते हुए कि फ़ोन से ब्लॉग करने में कैसा व्यू आता है एंड इससे ब्लॉग करने में कैसी क्वालिटी एंड कैसा व्यू आता है, तो वो भी आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने DJI Osmo Action कैमरा पे शूट कर रहा हूँ एंड इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। अभी इसका रॉक स्टडी मोड भी मैंने ऑन कर रखा है एंड ये 2.7K 60fps पे शूट हो रहा है। तो अभी आपको iPhone से दिखाता हूँ कैसी क्वालिटी आती है। तो ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अपने iPhone 11 के फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी लगाया हुआ है मैंने अभी इसका, तो आप देख सकते हो DJI Osmo Action कैमरा में थोड़ा वाइड एंगल व्यू मिलता है हमें एंड इंटरनल माइक्रोफोन भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा IPS, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।